आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस देश के अंदर जो है गुजरों ने आंदोलन किया, जाटों ने आंदोलन किया, और इसके अलावा जो है राजस्थान के बहुत सारे मीनाओं ने आंदोलन किया, और वो लोग जेलों में भी बंद हैं और मारे भी गए, लेकिन उनको आरक्षण नहीं दिया सरकार ने, ऐसा क्यों? देखिए, मैं बहुत सीधा सीधा कहूंगा इस बात को, मैं पहले भी कह चुका हूं, इस बात को समझें आप। कौन है गुजर? बैकवर्ड। मीना कौन है? बैकवर्ड। जाट कौन है? वो भी बैकवर्ड में आने की बात कर रहे हैं, लेकिन जाट किसी हालत में सवर्ण में तो नहीं आते। तो मतलब सीधा सीधा है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ सवर्ण समाज की पार्टी है, वो ओबीसी एससी एसटी की पार्टी नहीं है, उनके लिए वो कुछ नहीं करेगी, और अपने लिए चाहे संविधान के साथ कितनी भी खिलवाड़ करनी पड़े वो करेगी। तो सीधा सीधा ये है। अब सोचना, जो गुजर समाज के लोग हैं, मीणा समाज के लोग हैं या जाट समाज के लोग हैं, उन्हें ये सोचना है कि क्या उन्हें धोखेबाज जो पार्टी है उसके साथ में जाना है, यह 2019 में उन्हें सबक सिखाना है, यह उन्हें सोचना है। क्या सर, ये आरक्षण से दलित समाज पे या बहुजन समाज पे क्या असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, हाल फिलहाल अगर बात कहें तो कोई असर अभी दिखाई नहीं देता, लेकिन क्योंकि बीजेपी की मंशा हमेशा, उसकी नियत खराब रही है, उसकी नियत बहुजन समाज या एससी एसटी समाज के विरोध में रही है, वो कई बार सामने से नहीं होके पीछे से वार करती है, तो आखिर में इसका जो असर पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि एक बार संविधान में संशोधन होके आर्थिक आधार लागू होने के बाद, फिर वो ये जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो रिजर्वेशन है, फिर ये कहेंगे कि भाई सब हल्ला मचेगा कि इसको भी आर्थिक आधार पर किया जाए। तो अल्टीमेटली पर्दे के पीछे से या बैकडोर से उस समाज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी के जो आरक्षण है उस पर कुठाराघात करने की ये कुटिल राजनीति है। सर, इतना विरोध होने के बावजूद भी और जो बीजेपी के जो आका है, बीजेपी के जो लीडर है, वो कहते हैं कि अब जो सीट आई है उससे ज्यादा सीटें आएंगी, इतना विरोध होने के बावजूद। ये उनकी हताशा है। 5 राज्यों में उनका पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया। क्या ये समझ में नहीं आ रहा लोगों को? ये दिख नहीं रहा लोगों को? लेकिन वो करें क्या? अगर ये ना कहें तो और क्या कहेंगे? ये निश्चित रूप से वो भी जानते हैं कि हकीकत ये है, इस देश का आम आदमी उनके पूरी तरह से खिलाफ है। किसान हो, मजदूर हो, विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, आंगनवाड़ी वाले हो, हर कोई उनके खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने धोखा दिया है समाज को। जो वादे किए वो वादे पूरे नहीं किए, पूरी तरह से फेल रहे हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी हताशा को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या ये आरक्षण देने के बाद जातिवाद खत्म हो जाएगा? नहीं, आरक्षण देने के बाद में जातिवाद खत्म होने का मतलब नहीं। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि इस देश से आरक्षण खत्म करने की बात करें, तो पहले जाति को खत्म कीजिए। आप जाति खत्म नहीं कर रहे आप, क्योंकि जब तक जाति रहेगी आरक्षण रहेगा। आरक्षण से जातियां खत्म होने का कोई लेना देना नहीं है। आर्थिक रूप में जो ये आरक्षण 10% दिया जा रहा है, और राष्ट्रपति को मंदिर में उठने बैठने भी नहीं दिया जाता, क्या ये सही रहेगा आरक्षण देना? नहीं, तो इस बात पे फिर राष्ट्रपति जी को सोचना चाहिए कि अगर इस देश के राष्ट्रपति को, प्रथम नागरिक को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता या सीढ़ियों से ही पूजा करा के भगा दिया जाता है, तो इस राष्ट्रपति को सोचना है कि क्या साइन किए जाए। राष्ट्रपति जी जो है वो आर्थिक रूप से तो ऊपर है ना? नहीं, मैं आर्थिक रूप से तो इस देश में बहुत लोग ऊपर हैं, पर क्या सामाजिक रूप से उन लोगों को वो सम्मान मिल रहा है? ऐसा तो नहीं है। इस देश में आर्थिक रूप से बहुजन समाज में से बहुत लोग हैं जो बहुत मजबूत हैं, पर उन्हें सामाजिक स्तर पर क्या वो सम्मान मिल रहा है? नहीं। उनके सामने कोई बात होती है और जैसे उनकी पीठ मुड़ती है तो फिर उन्हें वही कहा जा, अरे ये देख, अरे ये कोटे वाला है, ये वही कोटे वाला है। तो वो जाति जो है चुपकी हुई है, जाति को चुपका के रखा हुआ है। और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, वो राष्ट्रपति जी वाली या और ऐसे कितने लोग हैं, कहां उनको सम्मान मिल रहा है? सर, जनगणना के आधार पर जो है सवर्ण समाज है वो 10% टोटल आता है, और 10% इन्होंने आरक्षण दे दिया है, तो इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? देखिए, बहुत सीधी सीधी बात है कि 10% की बात जो कर रहे हैं, इसका ईमानदारी से पता तब लगेगा। ये सरकार अगर ईमानदार होती तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेईमान सरकार है और गुमराह करने वाली सरकार है। अब से लगभग 3 साल पहले जातीय जनगणना पर आधारित आंकड़े सरकार के पास हैं, लेकिन आज तक सरकार ने उन्हें न तो पार्लियामेंट के सामने रखा और न ही प्रकाशित किया। क्या डर है सरकार को
क्या दिक्कत है सरकार को? क्या ये सरकार उसे क्योंकि कम से कम सरकार ने तो पढ़ाई होगा, तो उसे पढ़ने के बाद उसको समझ में आ गया है कि बहुजन समाज की या एससी एसटी ओबीसी समाज की संख्या बहुत बढ़ गई है और उससे वो घबराए हुए हैं, उनकी संख्या कम हो गई है उससे वो घबराए हुए हैं, इसलिए उसे प्रकाशित नहीं करना चाहते। और 10% आरक्षण की बात, हम तो ये बात कह रहे हैं कि हमारे बहुजन नायक माननीय साहब काशीराम जी ने एक बहुत बढ़िया नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो भाई हर व्यक्ति को, हर समाज को उसकी जाति के अनुपात में आप आरक्षण दे दिए, बात खत्म, कहीं किसी की दिक्कत नहीं रहेगी। वकील साहब, ये एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि 2019 के इलेक्शन नजदीक है, तो उससे पहले ही आरक्षण का पेश क्यों? नहीं, उससे पहले आरक्षण का ये है कि ये समाज को गुमराह करने वाली है और समाज को लॉलीपॉप देने वाली है। मैंने पहले ही कहा कि क्योंकि सरकार हर मुद्दे पर, हर फ्रंट पर फेल रही है, इसलिए उतने सब दिया है। सरकार भी जानती है कि वो इसको किसी हालत में लागू नहीं कर सकती। अगर आपने देखा होगा कि राज्यसभा में जिस समय बहस हो रही है, उसी दिन शाम को न्यूज आई कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ रिट फाइल हो चुकी है, याचिका फाइल हो चुकी है, और जिसमें उन्होंने कहा है, स्पष्ट कहा है कि आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है वो गैर संवैधानिक है, ऐसा हो नहीं सकता और इसको खत्म किया जाए। तो रिट पड़ चुकी है ऑलरेडी। जो क्राइटेरिया तय किया है और जिस क्राइटेरिया के तहत ये 10% आरक्षण दिया गया है, क्या लगता है आपको कि अगर खुद जो सरकार है, बीजेपी सरकार, वो इस पर फंसेगी आगे, खुद बैकफुट पर आ जाएगी? क्योंकि जो क्राइटेरिया है वो उसमें कितना डिफरेंस है, अगर एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण देखा जाए और 10% जो अब दिया है सवर्णों का। देखिए, जहां तक मुझे लगता है सरकार ने कदम उठाया है, सरकार पीछे नहीं हटेगी, लेकिन उसके पास जैसा पहले भी होता रहा है कि जो काम सरकार को नहीं करने होते या जिसमें सरकार फेल हो सकती है, उसका ठप्पा वो कोर्ट पर डाल देती है, तो उसे भी मालूम है कि इसमें वो पूरी तरह से फेल होगी, इसलिए सरकार क्या करेगी, चुप रहेगी, जो होना है वो होने दे, और आखिर में लोगों से कह देगी हम कुछ नहीं कर सकते, हमने तो तुम्हें देने का प्रयास किया लेकिन कोर्ट ने ये सारा का सारा आपका खत्म कर दिया। तो सरकार ये सारा ब्लेम, सारा आरोप कोर्ट के मथे मड़ेगी, उसे मालूम है ये हो नहीं सकता, ये सारा का सारा सरकार का षड्यंत्र है। सर, आखिर में चलते चलते राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी का इस विषय को लेके क्या तैयारी है, क्या आंदोलन है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, हम लोगों को जागृत करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, हर मंच पर इस बात को हम उठा रहे हैं कि ये जो आरक्षण दिया गया है ये समाज के साथ में धोखा है, और बहुजन समाज को, विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति एससी एसटी ओबीसी, इसको सावधान रहने की जरूरत है। और मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं, जो बैकवर्ड समाज के लोग हैं, कि उन्हें समझ में आ जाना चाहिए कि जिस बीजेपी के साथ आप लगे रहे या आपके नेताओं ने गुमराह करके आपको उसके साथ में चिपकाया रहा, उस बीजेपी ने आपका आरक्षण नहीं दिया जो आपको मिलना चाहिए था, उसके लिए संविधान संशोधन नहीं किया, लेकिन यह सवर्ण समाज के लिए उन्होंने संविधान संशोधन किया है। इस देश में जो किसान है वो त्राही त्राही मचा रहा है, तो ऐसा नहीं लगता कि सरकार को पहले किसानों के बारे में सोचना चाहिए था सवर्ण समाज से ज्यादा? क्योंकि सवर्ण जो है वो किसान अंदाता नहीं है, ज्यादातर जो किसान है वो ओबीसी समाज से निकल कर आता है, तो ऐसे में किसान के बारे में पहले सोचना चाहिए था। मैंने तो आपको बताया कि ओबीसी के विषय में क्यों सोचेगी, किसान के विषय में क्यों सोचेगी? अगर किसान के विषय में ये सरकार सोचती तो निश्चित रूप से सरकार किसानों के लिए काम करती। लगभग 3,42,000 करोड़ रुपया इस सरकार ने, जो अमीर हैं उनका माफ किया है, 3,42,000 करोड़ रुपया पिछले इस उसमें टेन्योर में, अपने में 4.5 साल 4 साल 8 महीने के अंदर 3,42,000 करोड़ के लगभग उनका माफ किया है, और जो इन बड़े बड़े उद्योगपतियों की वजह से बैंकों का भट्टा बैठा, उन बैंकों के लिए भी 2,35,000 करोड़ की सरकार ने मदद की है। तो सरकार की नजर में वो उद्योगपति, क्योंकि उन उद्योगपतियों से उसे पैसा मिलता है इलेक्शन लड़ने के लिए, अपनी जो है इच्छाएं उनको पूरा करने के लिए सरकार को उनसे पैसा मिलता है, किसानों से पैसा नहीं मिलता ना, इसलिए किसानों की उनके लिए कोई अहमियत नहीं है। किसान मरे मर जाए, आप देख रहे हैं लगातार किसान मर रहा है, कहीं एक भी तो नहीं है ऐसा कोई भी दिन जाता हो जिस समय यह खबर नहीं आती होगी वहां किसान ने जो आत्महत्या किया वहां यह हुआ। तो किसान की, मजदूर की, गरीब की उन्हें कोई चिंता नहीं है, उन्हें केवल और केवल अपने उस सवर्ण समाज की चिंता है जिसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उसकी वोट वो लेना चाहते हैं। लेकिन सवर्ण समाज को भी ये समझ में आ जाना चाहिए कि तुम्हारे साथ भी बहुत कस के उन्होंने धोखा किया है,
जब ऑलरेडी 50.5% तुम्हारे पास है, 10% का मतलब क्या है जब नौकरियां नहीं है।